जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुंद सर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकुंद मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में मैं बोर्ड मास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होगा, ब्रैकेट कितने टाइप के होती है, उसका सिम्बॉल क्या होता है, ये सब सारे पॉइंट हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू से शुरुआत करते हैं। बोर्ड मास BODMAS, सबसे पहले हमें बोर्ड मास का स्पेलिंग याद रखना है BODMAS। अब इसका हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं, बी फोर ब्रैकेट होता है और ब्रैकेट इस टाइप से आपको दिखेगा। इसका हम आगे डिस्कस करेंगे कि ब्रैकेट कौन, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सबका अलग अलग नाम होता है और उसका यूज भी हम लोग देखेंगे। ओ फोर ऑफ होता है और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। डी फोर डिवाइड, डिवाइड का सिंबल इस तरह से होता है। एम फोर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल इस तरह से होता है। ए फोर एडिशन, एडिशन का सिंबल इस तरह से होता है। एस फोर सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन का सिंबल इस तरह से होता है। तो पहले मुझे ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन इसको सीक्वेंस में अच्छे से याद कर लेना है। बी ओ डी एम ए एस, ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये आपको जितना जल्दी याद होगा उतना आपको क्वेश्चंस बनाने में आपको हेल्प होगा, नहीं तो बार बार इसका आपका लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम है आपका कि बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म है वो अच्छे तरीके से याद कर लें। अब बात यहाँ पे आती है कि बोर्ड मास हम लोग आखिर पढ़ते क्यों हैं। तो बोर्ड मास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि अगर क्वेश्चंस दिया हुआ होता है उसमें बहुत सारे सिंबल यूज किया होता है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होती है अगर बहुत सारे यूज हुआ होता है तो हमें किस तरह से सोल्व करना होता है, कि जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसको सोल्व करना है या फिर इस सिक्वेंस में करना है। तो हमें बोर्ड मास का रूल को फॉलो करते हुए इसी सिक्वेंस में मुझे सोल्व करना होगा। वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे। फिलहाल अभी बोर्ड मास का फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लो, बी फोर ब्रैकेट, ओ फोर ऑफ, डी फोर डिवाइड, एम फोर मल्टीप्लीकेशन, ए फोर एडिशन, एस फोर सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास को किसी किसी चैप्टर में भी बोर्ड मास के नाम से भी जाना जाता है। दोनों सेम है, दोनों अलग नहीं है। बोर्ड मास बोलो या फिर भी बोर्ड मास बोलो, वो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या होता है, वी फोर होता है विनिकुलम, जिसको हम लाइन ब्रैकेट से सोल्व करते हैं, लाइन होता है उसको हम विनिकुलम बोलते हैं। बी फोर ब्रैकेट, ओ फोर ऑफ, डी फोर डिवाइड, एम फोर मल्टीप्लीकेशन, ए फोर एडिशन, एस फोर सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास और वी बोर्ड मास दोनों सेम है। बोर्ड मास बी से स्टार्ट होगा, वी बोर्ड मास भी से स्टार्ट होगा। जब हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे इसी को हम बोलते हैं विनिकुलम बोलते हैं, और इसको हम लाइन ब्रैकेट ही बोलते हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बोर्ड मास और वी बोर्ड मास क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। बोर्ड मास और वी बोर्ड मास पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रैकेट का टाइप। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर फोर और थ्री ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट फोर टाइप का भी होता है और थ्री टाइप का भी होता है। अगर हम लोग बोर्ड मास पढ़ रहे हैं तो ब्रैकेट फोर टाइप का होगा, और अगर हम लोग भी बोर्ड मास पढ़ रहे हैं तो ब्रैकेट थ्री टाइप का होगा। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट है, ये वाली आपका लाइन दिया हुआ रहेगा तो उसको हम बोलेंगे लाइन ब्रैकेट। इसी का दूसरा नाम है बार ब्रैकेट, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं विनिकुलम बोलते हैं, जो कि स्टार्टिंग में जैसे कि वी बोर्ड मास जब हम पढ़ेंगे ना तो उसी का नाम मतलब वी से होता है लाइन ब्रैकेट, उसी को हम लोग नाम दूसरा कह देते हैं विनिकुलम बोलते हैं। सेकेंड आपका है स्मॉल ब्रैकेट, इस टाइप से अगर ब्रैकेट आपको कहीं पे दिखता है तो उसका नेम क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट या फिर कॉमन ब्रैकेट। इसका वन टू थ्री फोर नेम है, इस सिंबल का मतलब इस ब्रैकेट का फोर नेम है, स्मॉल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट। थर्ड है आपका, अगर इस तरह से कहीं पे ब्रैकेट आपको दिखती है तो उसका नाम देते हैं हम लोग मिडिल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। इसका नाम क्या है, मिडिल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, इस दो नाम से जाने जाते हैं, आप कोई एक नाम ही बोलोगे। फोर्थ है आपका, अगर इस तरह से आपको कहीं पे ब्रैकेट दिखता है क्वेश्चंस में तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट या फिर विंडोज ब्रैकेट। तो आप इस ब्रैकेट का जो दूसरा नाम है वो भी आप याद रखोगे। तो फोर टाइप की ब्रैकेट होती है। फर्स्ट है, जब भी लाइन रहेगा, ए लाइन कहाँ पे रहेगा, नंबर्स के ऊपर रहेगा, जो कि हम आगे देखने वाले हैं क्वेश्चंस में किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। तो लाइन ब्रैकेट, बार ब्रैकेट या फिर विनिकुलम। सेकेंड है आपका, अगर इस तरह से ब्रैकेट दिखता है तो इसका नाम देते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट या फिर कॉमन ब्रैकेट। थर्ड है आपका, इस तरह से अगर आपका होता है तो मिडिल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। अगर इस तरह से आपका ब्रैकेट होता है तो ग्रेटेस्ट, स्क्वायर, बिग, बॉक्स और विंडोज। इसका मतलब यह है कि जब भी हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे तो पहले हम ब्रैकेट देखेंगे, जो बोर्ड मास का फुल फॉर्म होता है बी फोर ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट देखना है, मतलब ब्रैकेट को सोल्व करना है।
फिर अगर क्वेश्चंस में कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ हम लोग सोल्व करेंगे, जैसे कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब स्पेलिंग क्या था, BODMAS। क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, वो भी ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट हम देखेंगे, अगर लाइन ब्रैकेट नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट देखेंगे, फिर हम लोग मिडिल ब्रैकेट देखेंगे, फिर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिए हैं स्टार्टिंग में हम लोग बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस का लेवल हाई करेंगे। पहले हम लोग छोटे क्वेश्चन से बोर्ड मास का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो रूल होता है, वो हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, आप ये चैप्टर इतना मतलब कन्फ्यूजन वाले चैप्टर है कि स्टूडेंट को तो छोड़ो, टीचर से भी क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 + 2 / 2, 2 + 2 / 2, ये मोस्ट कॉमन आस्किंग क्वेश्चन से, ये सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला ये क्वेश्चन से, बहुत बार ये लोग पूछ देते हैं, बात बात में पूछ देते हैं कि 2 + 2 / 2 क्या होगा, तो हम लोग इसका मैक्सिमम मतलब गलत ही आंसर देखते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हम लिए हैं और दोनों में आंसर जो आया है अलग आया है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। अब ये चेक करते हैं कि ये सही है कि ये सही है। तो जैसा कि बोर्ड मास हम पढ़ चुके हैं, और बोर्ड मास इसीलिए पढ़ते हैं कि अगर सिम्बॉल मैथमेटिक ऑपरेशन जो आपका होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो सबसे पहले हम बोर्ड मास के सीक्वेंस से ही सोल्व करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, ओ फॉर ऑफ, ऑफ भी कहीं नहीं है, डिवाइड है, डी फॉर डिवाइड, डिवाइड देखो आपका आ गया, तो पहले मुझे डिवाइड का काम करेंगे, तो 2 को सेम लिखेंगे, फिर प्लस का साइन है, प्लस लिख दो, 2 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और 2 + 1 आपका हो गया 3 आंसर। अगर मान लो कि क्वेश्चंस का जो ऑपरेशन है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर इसके थ्रू हम सोल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है, जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में प्लस है, तो 2 + 2 क्या लिखेंगे हम, 4 / 2, तो 4 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, जो कि ये रॉन्ग है, ये हमारा आंसर सही नहीं है, हमारा आंसर जो होगा वो 3 होगा। क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चंस हमें इस तरह से मिलता है तो वहाँ पे बोर्ड मास ही अप्लाई करना है, ना कि जो क्वेश्चंस का आपका स्टार्टिंग से सिंबल है उसके थ्रू करना है। तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, 2 आंसर क्यों नहीं होगा, 3 ही आंसर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास अप्लाई हुआ और यहाँ पे जो हम अप्लाई किए थे वो सिक्वेंस में हम अप्लाई किए थे जो क्वेश्चंस का ऑपरेशन था, जिसके वजह से गलत हो गया। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 × 4 / 2 × 3, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि BOD फॉर डिवाइड होता है, तो पहले डिवाइड का काम करेंगे, बाद बाकी सब सेम लिखेंगे, तो 3 को कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लिख दो, 4 को अगर 2 से डिवाइड दोगे तो 2 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 है तो मल्टीप्लाई 3, अब ये सारों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 / 3 / 4 / 2, यहाँ पे एक मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 डिवाइड है, तो हम दोनों को एक ही साथ करेंगे, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, 4 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 2 मिलेगा, और 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 of 4 (5 - 2), यहाँ पे देखो अब क्या आ गया, ब्रैकेट भी आ गया है और ऑफ भी है और माइनस भी है और 4 बाहर में भी है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस है, मोस्ट कॉन्फ्यूजिंग, इसका आंसर अगर आप किसी से पूछते हो ये क्वेश्चंस, तो यहाँ तक कि टीचर्स भी इसका आंसर गलत ही देगा। जैसे देखो 2 लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, 4 × 5 - 2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट यहाँ पे है तो इसको हम सोल्व करेंगे, बाद बाकी सब सेम लिखेंगे, तो 2 of 4 (5 - 2) क्या होता है, 3 होता है, 2 of 4 (3), तो 2 का 2 लिखो, ऑफ का ऑफ लिखो। अब यहाँ ब्रैकेट के अगर कोई नंबर्स बाहर में है, देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो आप, कि अगर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर्स है और उसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 2 of 4 यहाँ पे कोई साइन नहीं था, तो हम यहाँ क्या साइन रखेंगे, मल्टीप्लाई रखेंगे, और ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स था वो 3 रखेंगे। अब यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई और ऑफ, मल्टीप्लाई और ऑफ में पहले काम किसका होगा, ऑफ का होगा, और ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, ऑफ पे यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमें मन में ही कैलकुलेट करना है कि ऑफ नहीं लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई ही लिखा हुआ है, तो 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ था तो मल्टीप्लाई 3 लिख दिए, 8 × 3 = 24, 24 इज द आंसर। नेक्स्ट है आपका है, 3 of 4 / 4 × 2,
अब ऑफ भी आ गया है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है। इसमें सबसे पहले काम किसका होगा? ऑफ का होगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है। तो बी ओ, ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब क्या समझते हैं हम? मल्टीप्लाई समझते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई गलती से मत लिख देना कि 3 × 4 डिवाइड 4 इंटू 2 फिर डिवाइड करो, आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो ऑफ का माइंड में ही मुझे इमेज करना है कि यहाँ पे क्या ऑफ नहीं लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो 3 × 4 क्या होता है? 12 होगा। फिर डिवाइड 4 मल्टीप्लाई बाई 2, डिवाइड 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 12 को 4 से डिवाइड देंगे, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में काम किसका होगा? डिवाइड में होगा। तो 12 को 4 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ लिख दिए, 3 × 6, 3 × 2 क्या होगा आपका? 6 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 4 + 5 − 2 × 6 / 3 प्लस है माइनस है इंटू है और डिवाइड है, तो सबसे पहले काम किसका करेंगे? डिवाइड का काम करेंगे, बाद बाकी सब सेम लिखेंगे। 4 का 4, प्लस का प्लस, 5 का 5, माइनस का माइनस, 2 का 2, इंटू का इंटू, 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो 2 मिल जाएगा। अब प्लस माइनस इंटू में किसका काम करेंगे? इंटू का करेंगे। 4 + 5 − 2 × 4 होता है, 4 + 5 9 होता है और माइनस का 4 था तो -4, तो 9 − 4 आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 × 2 + 2 / 2 − 2। यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ किया हुआ है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के सिंबल से यूज नहीं करना है, हमें बोर्ड मास को रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे बोर्ड मास हमारा ये बताता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट इसमें नहीं है, फिर ऑफ को करो, ऑफ भी नहीं है, फिर डिवाइड आती है तो डिवाइड इसमें है, तो डिवाइड मुझे पहले सॉल्व करना है, तो 2 को 2 से डिवाइड देना है, बाद बाकी सबको सेम लिखना है। 2 का 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई लिख दिए, 2 का 2 लिखें, प्लस का प्लस लिखें, 2 को 2 से जब डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, -2 था तो -2। अब मल्टीप्लाई प्लस और माइनस में क्या होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा, मतलब काम होगा, तो 2 × 2 = 4 + 1 − 2, 4 + 1 − 2, 4 + 1 = 5 होता है, -2 = 5 − 2 आपका 3, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 / 6 of 2 + 15 − 3 × 4। बोर्ड मास के थ्रू हम लोग अगर इसको सोल्व करेंगे तो पहले ऑफ का हम काम करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई मुझे लिखना नहीं है, इसको इमेज करना है। बार बार हम बोल रहे हैं कि ऑफ के अगर जगह पे आप मल्टीप्लाई लिख दोगे तो हमेशा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि फिर वो एक सिंबल हो जाएगा। बट यहाँ पे जो ऑफ का मीनिंग होता है, जो मल्टीप्लाई का होता है, वो इमेज करना है कि यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो 24 को सेम लिखेंगे, डिवाइड सेम लिखेंगे, 6 × 2, 6 of 2 का मतलब होता है 6 × 2, मतलब 12 हो गया। फिर प्लस 15 − 3 × 4, सेम टू सेम लिख देंगे। अब डिवाइड है, प्लस है, माइनस है, इंटू है, तो डिवाइड का काम करेंगे। तो 24 को 12 से अगर हम डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर प्लस 15 − 3 × 4, सेम टू सेम लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, माइनस है और इंटू है, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 2 का 2, 15 का 15, माइनस का माइनस, और 3 × 4 = 12, 2 + 15 आपका होता है 17 − 12, 17 − 12 आपका हो गया क्या? 5 आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा हमें? 5 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 / 3 + (2×7)(5 − 5). तो यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, तो पहले मुझे इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, बाद बाकी सबको सेम लिखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। अभी स्टार्टिंग में क्या है कि स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, फिर लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि इसी टाइप का क्वेश्चन अगर ऑप्शन बेस पे आता है, मतलब अगर हम कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन कुछ ही सेकेंड्स में कैसे देंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिप के थ्रू भागेंगे, क्योंकि क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो इसका आंसर हमेशा गलत ही आएगा। इसमें क्या आ गया आपका? ब्रैकेट आ गया है, तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, बाद बाकी सब को सेम। 18 / 3 + 2 × 7 = 14 होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 − 5। अब डिवाइड प्लस इंटू माइनस में किसका काम होगा? डिवाइड का काम होगा, तो 18 को 3 से डिवाइड देंगे, 6 होगा, प्लस 14 − 5 − 5। अब क्या है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस में किसका काम करेंगे? मल्टीप्लाई का काम करेंगे, तो 6 को सेम लिखेंगे, 14 × 5 = 70 होता है, −5, 6 + 70 = 76 − 5 = 71 इज द आंसर। और ये चैप्टर ऐसा है कि कोई सा भी अगर कम्पिटेटिव का एग्जाम आप देते हैं तो इससे क्वेश्चंस होना बहुत अनिवार्य है, इससे मतलब क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 − 3 + 4 × 3 + 18 / 6।
प्लस माइनस इंटू डिवाइड में पहले काम किसका होगा, डिवाइड का होगा, बाद बाकी सब सेम लिखेंगे। तो 4 माइनस 3 प्लस 4 इंटू 3 और 18 को जब 6 के डिवाइड देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर अब मल्टीप्लाई का काम करेंगे तो 4 माइनस 3 प्लस 4 इंटू 3 क्या होता है, 12 होता है, प्लस 3। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, प्लस है और प्लस है, तो इसमें आप चाहो तो पहले प्लस करो आप फिर माइनस करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। तब यहाँ पे देखो 4 माइनस 3 क्या होगा आपका, 1 होगा, प्लस 12 प्लस 3। अब सबको प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 माइनस 10 डिवाइड 2 प्लस 3 इंटू 4। यहाँ पे भी क्या है, पहले डिवाइड काम करेंगे तो 20 माइनस 10 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा प्लस 3 इंटू 4। अब क्या है, मल्टीप्लाई का काम करेंगे 3 इंटू 4 का, तो 20 माइनस 5 प्लस 3 इंटू 4 क्या होता है, 12 होगा। 20 माइनस 5 15 प्लस 12, 15 प्लस 12 27, 27 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 माइनस 40 डिवाइड 10 प्लस 2 इंटू 5। यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, प्लस है, इंटू है और माइनस है, तो सबसे पहले काम किसका करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। तो 50 माइनस 40 को जब 10 से डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेंगे। मतलब 10 का टेबल पढ़ना है, 40 कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिर प्लस 2 इंटू 5, ये सेम टू सेम रहेगा। अब किसका काम होगा, मल्टीप्लाई का, तो 50 माइनस 4 2 इंटू 5 क्या होगा, 10 होगा। 50 माइनस 4 46 होता है, प्लस 10 आपका रहेगा, तो 46 प्लस 10 56, 56 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 डिवाइड 10 इंटू 3 माइनस 60 प्लस 10। तो पहले डिवाइड का काम करेंगे तो 50 को जब 10 से हम डिवाइड देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे इंटू 3 माइनस 60 प्लस 10, सेम टू सेम हम लिखेंगे। अब किसका काम करेंगे, मल्टीप्लाई का काम करेंगे, तो 5 3 जा 15 होता है, माइनस 60 प्लस 10 सेम लिखेंगे, 15 माइनस 16 प्लस 10। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, देखो अब यहाँ पे कुछ बच्चा क्या कर देगा कि बोर्ड मास के थ्रू BODMAS एडिशन होगा पहले, तो एडिशन किस तरह से कर देता है, 60 प्लस 10 लिख देगा 70 ऐसा लिख देगा, जो कि गलत है। देखो ये अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है आपका, ये पॉजिटिव है और ये 10 के जो बाजू में है ये प्लस है, मतलब पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा फिर माइनस करना पड़ेगा। तो 15 प्लस 10 25 और ये माइनस 60 है, तो माइनस 60। अब आ रहा है 25 माइनस 60, 25 माइनस 60 क्या होगा, माइनस ऑफ 35 होगा। जब भी एक नंबर पॉजिटिव हो और एक माइनस हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं, और जो ग्रेटर नंबर होता है मतलब जो बिगर नंबर है उसका हम साइन हम लोग लिख देते हैं। तो 60 माइनस 25 करेंगे तो 35 आएगा, और यहाँ पे क्या है, बिगर नंबर 60 है और इसका जो साइन है वो माइनस है, इसलिए हम माइनस लिख देंगे। जैसे मान लो कि अगर हम आपको बोलें कि 3 माइनस 5 क्या मिलेगा, अब देखो 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 5 को 3 से माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 3 क्या होगा, 2 होगा, और बिगर नंबर का साइन माइनस है तो माइनस 2 आ जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ऐसा मत कि 25 माइनस 60 35, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि कभी भी अगर छोटे नंबर अगर बड़े नंबर माइनस हो रहा है तो हम बड़े नंबर में छोटे नंबर से माइनस कर देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 माइनस 50 प्लस 10 डिवाइड 5 इंटू 2। तो पहले किसका काम करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे, तो 40 माइनस 50 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिल जाएगा। अब किसका काम करेंगे, मल्टीप्लाई का, तो 40 माइनस 50 प्लस 2 2 जा 4 होता है। 40 माइनस 50 देखो यहाँ पे फिर आ गया है 40 माइनस 50, 40 से 50 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 50 से 40 माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस 40 करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन साइन हम क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, और प्लस का 4 है तो प्लस का 4। अब यहाँ पे माइनस 10 प्लस 4, माइनस 10 प्लस 4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 10 देखो माइनस का 10 प्लस 4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 10, क्यों, क्योंकि 4 का साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस था, 10 का साइन यहाँ माइनस है, यहाँ पे भी 10 का साइन हम क्या लिए हैं, माइनस लिए हैं, तो 4 में से 10 नहीं जाएगा, तो 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो 6 मिलेगा, और बिगर नंबर का जो माइनस है वो यहाँ पे हम लगा देंगे, तो क्या आंसर हमारा आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, ना कि 6 आएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कभी भी स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर में माइनस करते हैं तो हमेशा माइनस में साइन आती है ना, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, थोड़ा सा और कुछ प्रैक्टिस कर लेना है, नहीं तो फिर हमेशा आंसर गलत आएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में सिर्फ डिवाइड का ही इस्तेमाल किया गया है, सारे का सारे क्या है आपका डिवाइड है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दो तरीका है, फर्स्ट तरीका ये है कि आपको स्टार्टिंग से डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिवाइड है तो स्टार्टिंग से डिवाइड कर दो। जैसे 16 को 2 से अगर डिवाइड देंगे
16 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। फिर सबको सेम लिखो, यहाँ पे कितना 2 था, 1 2 3 4, एक 2 का काम हो गया है, तो 3 जो 2 है वो सेम रहेगा। अभी इस 8 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, बाद बाकी 2 2 सेम रहेगा। अब इस 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 मिलेगा, डिवाइड 2 सेम रहेगा, 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1 होगा। इसका मतलब 16 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 का आंसर हमारा 1 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका है, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है, इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है उसको आप पकड़ के ऊपर रखो, बाद बाकी सारे नंबर्स को डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए। 2 × 2 × 2 × 2 कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 2 था, 4 2 लिखें और डिवाइड को कन्वर्ट कर दिए किस में, मल्टीप्लाई में कर दिए हैं, तो 16 का 16 रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 16 बाय 16, 16 को 16 से डिवाइड जब देंगे हम तो 1 आ जाएगा। दोनों में आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर देना, बट आपको दोनों आना चाहिए कि इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चंस में डिवाइड होता है तो स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक करके हम डिवाइड करते हैं, और नहीं तो फिर फर्स्ट नंबर को ऊपर लिखते हैं, बाद बाकी सारे नंबर को हम नीचे ले आते हैं और मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर देते हैं, और जो हमें आंसर आता है वो हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है डिवाइड ही है, बट ये जो नंबर है ये फ्रैक्शन में है, वहाँ जो नंबर था होल नंबर में था, यहाँ पे क्या आपका फ्रैक्शन में है। तो जब भी फ्रैक्शन में नंबर्स हो और डिवाइड हो तो फर्स्ट नंबर को सेम टू सेम लिखना है, जैसे यहाँ पे 10/3 था तो 10/3 लिखें। अब डिवाइड को कन्वर्ट करना है मुझे मल्टीप्लाई में, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा। मतलब ये 5/6 लिखा हुआ था तो 6/5 हम लिखेंगे, 6/5। फिर यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी नंबर क्या होगा आपका, इंटरचेंज हो जाएगा, 2/3 का हम 3/2 लिखेंगे। अब देखो जो कटेगा उसको काट देना, ये 3 से ये 3 कट रहा, हम काट दिए, देखो रेड, इसलिए हम रेड लाइन इस्तेमाल किए, रेड पेन, तो 3 को 3 से काटे हैं, 2 को 10 से काटे हैं तो 5 से कटा है, 5 2 जा 10 कटा है, और 2 को 2 से काट दिए, ऊपर कुछ नहीं बचा है, 6 बचा है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी में बेस्ट एक क्वेश्चन और है, 2/5 / 4/3 / 2/9 / 1/2, तो 2/5 को सेम टू सेम लिखेंगे, यहाँ पे बताए हैं डिवाइड का क्या काम करेंगे हम, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और सारे नंबर को हम इंटरचेंज कर देंगे, 4/3 को हम 3/4 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे, 2/9 को 9/2 लिखेंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई लिखेंगे, 1/2 को 2/1 लिखेंगे, जो कटा है उसको काटेंगे, देखो 2 को 2 से काट दिए, ये रेड वाला जो पेन है ये 2 से 2 कटा है, इस फोर को 2 से काटे हैं, 2 4 2 2 जा 4, अब ये 2 नहीं कटता है, जो नंबर बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर बच रहा है 3 × 9 3 × 9 लिख दिए, नीचे बच रहा है 5 × 2 × 1, तो 3 9 जा 27, 5 2 जा 10 27/10। तो आई होप कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ डिवाइड हो और वो नंबर इंटीजर्स में हो तो आप स्टार्टिंग से डिवाइड करते हुए आंसर दे दो, और नहीं तो फर्स्ट नंबर को पकड़ो और सबको नीचे में कर दो। ये थोड़ा सा शॉर्ट है और बेटर भी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होने की चांसेस, इसमें गलती होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, इसमें कोई भी गलती होने की चांसेस नहीं होती है। फिर हम लोग देखें कि अगर सारे क्वेश्चन में डिवाइड हो बट वो नंबर कैसा हो, फ्रैक्शन हो, तो क्या करते हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं, और फिर जो भी कट पिट के आंसर आता है हमारा आंसर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18/2 (2+1)। ये क्वेश्चन इतना कन्फ्यूजन है कि अगर आप किसी से पूछोगे तो पक्का इसका आंसर गलत ही बताएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 18/2 × 2+1, और ये सेम क्वेश्चन हम लिए हैं 18/2 × 2+1, इसका आंसर 27 भी आएगा और 3 भी आएगा, बट यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग है। और रॉन्ग क्यों है, अगर आप इसको वीडियो को पॉज करके सोल्व करोगे ना तो हो सकता है आप 3 आंसर ही मैक्सिमम आप 3 ही दोगे मैक्सिमम स्टूडेंट, बट इसका आंसर 3 नहीं होगा, 27 होगा। अब हम लोग ये बताएंगे इसमें हम कि 27 क्यों होगा, 3 क्यों नहीं होगा, तो आप इसको ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। देखो 18/2 × 2+1, यहाँ पे ब्रैकेट भी है और डिवाइड भी है, तो डिवाइड और ब्रैकेट में काम किसका करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है 2+1, तो 2+1 क्या होता है आपका, 3 होता है, तो 3 हम लिख दिए, ब्रैकेट को बंद कर दिए। जैसा कि हम पहले ही वाले क्वेश्चन से बताए थे कि ब्रैकेट के अगर बाहर कोई नंबर से है और वहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे जो साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन है,
तो 18 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3, ये क्या लिखा गया है 18 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3, ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब बताओ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में किसका काम होगा, तो डिवाइड का काम होगा, तो 18 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो 9 आएगा और ये मल्टीप्लाई 3 था तो 3 रहेगा, 9 3 जा 27। इसको तो अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि इसका 27 आंसर आएगा ना कि 3 आएगा। अब देखते हैं इसमें 3 क्यों नहीं आएगा, तो हम लोग गलती कहाँ पे क्या करते हैं कि 18 लिखा हुआ है लिख दिए, डिवाइड लिख दिए, ब्रैकेट का काम किया 2 प्लस 1 3। जैसा कि हमें टीचर्स बताता है कि इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर्स नहीं थे मल्टीप्लाई है तो 3 2 6 हम लोग कर देते हैं, जो कि गलत होता है। 3 2 6 कर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे बाहर आपका क्या है, आपका डिवाइड अगर ये प्लस माइनस होता तो डायरेक्ट 6 लिखते, बट यहाँ पे क्या है आपका डिवाइड है, तो पहले डिवाइड का काम करेंगे ना कि 3 2 6 लिखेंगे और 18 को 6 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि क्या बोले कि अगर इसी क्वेश्चन का ऐसा रहता है 8 प्लस 2 इंटू 3 होता तब हम इसका ना मल्टीप्लाई करते डायरेक्टली, क्यों 18 प्लस यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई है, तो 3 2 6, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई होता है अब 6 होगा, ना कि यहाँ पे 6 होगा। यहाँ पे गलती से भी कभी 6 लिखने की भूल मत करना, क्योंकि बाहर में यहाँ बोर्ड डिवाइड है और बोर्ड मास पहले मुझे ये बताते हैं कि पहले आप डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, तो इसलिए आपका 3 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली जो कन्फ्यूजन होता है जो इस क्वेश्चन में बार बार गलत होता है वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। सेम टू सेम इसी पैटर्न पे हम एक और क्वेश्चन लिए हैं, 9 डिवाइड 3 इंटू 2 प्लस 1। इसमें क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 9 डिवाइड सेम रहेगा 3 सेम रहेगा, 2 प्लस 1 को हम 3 कर दिए क्योंकि 2 प्लस 1 क्या होता है आपका 3 होता है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, मतलब ये 3 इंटू 3 लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे एज्यूम नहीं करना है, जैसे कि ऑफ का मतलब बताया था कि अगर ऑफ होता है तो वहाँ पे एज्यूम करना है कि मल्टीप्लाई है और उसी का पहले काम करना है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे लिखना है कि इसका मतलब भी होता है ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में पहले काम किसका होगा, डिवाइड का काम होगा, तो 9 को अगर 3 से डिवाइड देंगे तो 3 मिलेगा और मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 जा 9। यहाँ पे भी वही हम लिए थे जो फर्स्ट में आप लोग गलती करते हैं स्टार्टिंग में, कि 2 प्लस 1 3 करते हैं, 3 3 जा 9 लिख देते हैं और 9 को 9 से डिवाइड देंगे तो 1 होगा, ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि अगर कहीं भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर्स होता है अगर कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे। मतलब एक स्टेप इसको अगर हम और सोल्व करें तो ऐसा लिखा हुआ है 9 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो क्या साइन यहाँ क्या डाल लगाएंगे हम लोग, मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई में डिवाइड का काम करेंगे, इसलिए हमारा 9 आंसर होगा न कि 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 इंटू 16 डिवाइड 4 इंटू 3 प्लस 1, तो 2 इंटू 16 सेम रहेंगे, डिवाइड रखेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 3 प्लस 1 आपका क्या होता है 4 होता है। अब ये 4 और 4, यहाँ जो ब्रैकेट है यहाँ मतलब क्या साइन है आपका, इंटू का साइन है, तो इंटू और डिवाइड में पहले किसका काम होगा आपका, डिवाइड का काम होगा, तो 2 इंटू 16 को जब 4 से डिवाइड देंगे तो 4 और इंटू 4 का 4 रहेगा, 2 इंटू 4 इंटू 4 आपको क्या मिलेगा 32 मिलेगा, 32 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 प्लस 12 डिवाइड ब्रैकेट 8 माइनस 5 माइनस 10, तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 36 प्लस 12 डिवाइड 8 माइनस 5 आपका होता है 3 माइनस का 10। अब किसका काम करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे, तो 36 प्लस 12 को 3 से डिवाइड देंगे तो 4 आएगा माइनस 10, 36 प्लस 4 40 होगा माइनस 10, तो 40 माइनस 10 आपका 30 इज द आंसर। तो अभी स्टार्टिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप ही सोल्व करना है, फिर थोड़ी सी जब इसको आप रिवीजन करोगे तो एक दो स्टेप आप जंप कर सकते हैं, क्योंकि तब तक आपका प्रैक्टिस हो रहा होगा कि कौन सा साइन कैसे यूज करते हैं और क्या क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 11 प्लस कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 7 माइनस 4 माइनस 3 लाइन ब्रैकेट, यहाँ पे सारे टाइप का ब्रैकेट यूज हो गया। लाइन ब्रैकेट इसको कहते हैं हम लोग, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले काम किसका होगा, लाइन ब्रैकेट का काम होगा, मतलब 4 माइनस 3 को सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 क्या होता है आपका 1 होता है। लाइन ब्रैकेट का काम करने के बाद हम लोग किसका काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का, तो 7 माइनस 1 आपका क्या होता है 6 होता है। स्मॉल ब्रैकेट करने के बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे तो 9 माइनस 6 आपका क्या होता है 3 होता है। फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का सोल्व करेंगे, 11 प्लस 3 आपका 14 होता है, 20 माइनस 14 आपका क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 8 माइनस 6 माइनस 4 कर्ली ब्रैकेट 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट माइनस 4 प्लस 3 लाइन ब्रैकेट सारे ब्रैकेट ऑफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का सोल्व करना है तो 4 प्लस 3 क्या होगा 7 होगा। लाइन ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हम लोग किसका काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का, तो 8 माइनस 7 आप यहाँ पे 1 लिखोगे।
स्मॉल ब्रैकेट के बाद हम लोग करली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो 4 + 1 = 5। करली ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो 6 - 5 = 1, 8 - 1 आपका क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। तो जो 4 टाइप का ब्रैकेट है ये सब क्वेश्चन में हम पूरा अप्लाई कर दिए हैं, कैसे यूज़ करना है, कैसे सोल्व करना है, पहले किस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग, ये दोनों को क्वेश्चन के माध्यम से हमारा ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 25 × 4 - 50 × 4 / 2 × 2। यहाँ पे भी देखो क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल ब्रैकेट। तो दोनों को एक बार भी हम लोग सोल्व करेंगे, 25 फोर जा होता है 100 और 2 × 2 होता है 4। अब माइनस इंटू डिवाइड में किसका काम करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे, तो 4 को 4 से डिवाइड देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इंटू का काम कर देंगे, तो 50 × 1 आपका 50 होता है, 100 - 50 आपका 50, 50 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से 12 - 4 स्मॉल ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 6 + curly bracket 3 + 8 - 2 लाइन ब्रैकेट। इसमें क्या है कि 4 जो ब्रैकेट होता है सारे का सारे ब्रैकेट इस्तेमाल कर दिया गया है। तो फर्स्ट आपका कौन सा होता है, लाइन ब्रैकेट, इसको पहले हम सोल्व करेंगे, तो 8 - 2 = 6 हो गया। लाइन ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 12 - 4 आपका 8 होता है। स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, मतलब सोल्व करेंगे, तो 3 + 6 क्या होगा, 3 + 6 आपका 9 मिल जाएगा। कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 6 + 9 = 15, और इधर आपका था 8 × 15, तो 8 × 15 क्या होता है आपका, 120 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 4 + 2 × 3 - 10 / 2 कर्ली ब्रैकेट बंद +4 + 5 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 3 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसमें क्या है कि ब्रैकेट तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर दिया, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ऑफ कर दिया, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ कर दिया है। इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं कि कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट ऑफ किया, जो हमारा बोर्ड मास रूल बोलता है उसी के थ्रू हम इसको सोल्व करेंगे। पहले बोलता है कि अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और उसमें अगर लाइन ब्रैकेट होता है तो पहले लाइन ब्रैकेट करोगे, फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, देन आपका स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट देखेंगे, इसमें नहीं है, फिर लाइन ब्रैकेट के बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट देखते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 4 + क्या होता है, 4 + 5 + 4 क्या होगा, 9 होगा, तो 9 लिखेंगे, बाद बाकी हम सेम लिखेंगे। जब स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो फिर इसमें आपका आ गया है कर्ली ब्रैकेट, बट कर्ली ब्रैकेट में क्या है, बहुत सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड में पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो 10 / 2 आपका क्या मिलता है, 5 मिलता है। जब आपका डिवाइड सोल्व कर दिए तो आप क्या सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 = 6 होता है, 4 + 6 = 10 होगा, -5 होगा, तो 10 - 5 आपका क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे, +9 / 3। अब सारे का सारे ब्रैकेट सोल्व हो गया, सिर्फ क्या बचा है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक प्लस का साइन है और एक डिवाइड का साइन है, तो पहले हम डिवाइड सोल्व करेंगे, तो 9 को 3 से डिवाइड देंगे तो 3 मिलेगा, और 5 + 3 क्या होगा आपका, 8 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 - स्क्वायर ब्रैकेट 10 - कर्ली ब्रैकेट 10 - स्मॉल ब्रैकेट 10 - 10 आपका लाइन ब्रैकेट, फिर सारे आपका जो ब्रैकेट है वो क्लोज है। तो पहले हम किसका काम करेंगे, लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 10 - 10 क्या होता है, 0 होता है। लाइन ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 10 - 0 = 10 मिलेगा, फिर कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 10 - 10 आपका 0 होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व करें तो 10 - 0 आपका 10 होगा, और 10 - 10 क्या हो जाएगा आपका, 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ना कि 10 नहीं होगा, 0 होगा। 10 - 10 क्या होता है, 0 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और लाइन ब्रैकेट भी है, सारे कुछ है इसमें। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे हम लोग, लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 5 + 2 क्या होता है आपका, 7 होता है। जब लाइन ब्रैकेट का सोल्व कर दिए तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट करेंगे, तो 8 - 7 आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब हम लोग किसका काम करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 1 + 11 आपका 12 हो गया, (4 / 2). अब हम किसका काम करेंगे, आप इसका करोगे स्क्वायर ब्रैकेट का, तो 12 × 2 क्या होता है आपका, 48 होगा, (-2), और डिवाइड का मतलब होता है 48/2। अब ये देखो माइनस है तो माइनस भी रहेगा, तो 2 को अगर 48 में डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, बट यहाँ माइनस था तो माइनस आपका आ जाएगा। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि -2 था, मतलब 48 को -2 से जब डिवाइड देंगे तो -24 मिलेगा। जैसे मान लो बोल देंगे यहाँ पे 20 है, डिवाइड करो आप -4 से, इसको हम क्या लिखेंगे, डिवाइड 20 / -4, 4 × 5 = 20, तो आंसर में क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अगर ऐसा लिख दिए -10/5, इट मीन्स -10 का मतलब होता है डिनोमिनेटर में, तो 5 × 10, तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ली ब्रैकेट 1 + 6 लाइन ब्रैकेट + स्मॉल ब्रैकेट 14
डिवाइड 7 डिवाइड 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 5 इंटू 4 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 बाई रूट 16। इसको क्या बोलेंगे, रूट 16 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। लाइन ब्रैकेट मुझे स्टार्टिंग में दे दिया गया है तो 1 प्लस 6 क्या होगा, 7 होगा। जब लाइन ब्रैकेट को हम सोल्व कर दिए तो अब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों को हम साथ साथ में सोल्व करेंगे। तो 1 प्लस 6 ये तो सोल्व कर दिए थे हम, बाद बाकी सब सेम लिखेंगे हम। अब हम लोग किसका सोल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का सोल्व करेंगे। तो ये 7 का 7 प्लस, जैसा अभी बताया था कि अगर नंबर में सेम टू सेम मतलब बैक टू बैक डिवाइड का इस्तेमाल होता है तो फर्स्ट नंबर को आप एज इट इज ऊपर लिखो और जो भी इधर बचा हुआ है फर्स्ट नंबर को छोड़ के उसको डिनोमिनेटर में लिख दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो 7 डिवाइड 2 को हम क्या लिखेंगे, 7 इंटू 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे भी देखो स्मॉल ब्रैकेट है, इसको भी हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है और प्लस है, तो पहले किसका काम करेंगे, मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो 5 4 20 प्लस 2 इंटू 2 बाई रूट 16, सेम टू सेम। अब इसको सॉल्व करो, 7 का 7 प्लस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और 14 को 14 से डिवाइड दोगे तो क्या मिलेगा, आपका 1 मिल जाएगा। फिर प्लस 20 प्लस 2 क्या होगा, 22 इंटू 2 बाई रूट 16। अब रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये रूट 16 है ना स्क्वायर रूट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट या फिर नॉर्मल रूट्स बोलते हैं, रूट्स या फिर स्क्वायर रूट्स बोलो या रूट बोलो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसके अंदर कोई भी नंबर्स है, इसके अंदर में कोई भी नंबर्स है अगर उसका पेयर बनाया तो इससे ये भाग जाएगा। मतलब सबसे पहले देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 अगर कोई पूछता है तो क्या बोलोगे आप, सबसे पहले 9 का फैक्टर निकालेंगे तो 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3 और यहाँ पे रूट्स रहेगा। अब देखो इसका 3 का पेयर बन गया है तो पेयर से आपका ये क्या होता है, रूट्स कैंसिल होता है, तो सिर्फ आंसर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम टू सेम अगर ऐसा हुआ 2 इंटू 2 हुआ तो देखो ये पेयर बन गया, इसको हटा देना है तो क्या इसका आंसर आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर्स होगा, जैसे कि स्क्वायर हम लोग पढ़े, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 4 9 जितने भी स्क्वायर नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर इसके अंदर में होता है तो ये चेक करना है किसका स्क्वायर है। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए हैं कि 16 का जो फैक्टर निकालेंगे तो 4 इंटू 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे पेयर बन गया है तो पेयर से क्या होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो दो पेयर जो मतलब 2 4 था उसको हम सिर्फ सिंगल 4 लिखेंगे क्योंकि पेयर से आपका 1 4 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 बाई 4। अब कर्ली ब्रैकेट है तो इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4 2 से कटा, फिर इस 2 को हम 22 को कट कर दिए 11 से, तो 11 2 जा 22 होता है तो कट हो गया। फिर यहाँ पे 8 प्लस 11 11 क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ इसमें ब्रैकेट में क्या है आपका, सिर्फ 11 बचा हुआ है तो 11 ही रहेगा। 8 प्लस 11 क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका, 19 आ गया। तो आई होप कि ये जो स्क्वायर रूट यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस में डाल देता है तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कभी कभी क्वेश्चंस में मान लो स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, क्यू के फॉर्म में हो गया, मतलब पावर के अगर फॉर्म में होता है तो पहले मुझे पावर को सोल्व करना आना चाहिए। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आ गया है 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या समझे कि जिस नंबर पे कोई भी पावर होता है उसको उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो 2 को हम कितने बार लिखेंगे, इस 2 को हम लिखेंगे 2 बार क्योंकि पावर 2 था तो इसलिए 2 बार लिखेंगे। 2 2 जा 4, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लो कि 3 का यहाँ पावर क्या है, 4 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 पे पावर कितना है, 4 है। इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, और इस फॉर्म में अगर लिखा रहता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो इस बेस को जितना पावर डाला हुआ है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में मुझे लिखना है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 23 3 जा 81, मतलब 3 पे पावर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चंस में अगर स्क्वायर रूट्स हो आप फिर पावर के फॉर्म में हो तो पहले पावर आप फिर स्क्वायर रूट सोल्व करना है, फिर आगे हम लोग फर्दर सोल्व कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है n माइनस स्क्वायर ब्रैकेट n माइनस स्मॉल ब्रैकेट m प्लस n स्मॉल ब्रैकेट क्लोज माइनस कर्ली ब्रैकेट n। इसमें जो क्वेश्चन है ना वो m और n के फॉर्म में, मतलब कोई नंबर्स नहीं यहाँ पे वेरिएबल है। अब इसको ना क्वेश्चन को सोल्व करने की थोड़ी सी अलग होगा, मतलब वही कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा अलग है।
इसमें क्योंकि नंबर्स है नहीं, इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते कि एम प्लस एन क्या होगा, एम प्लस एन हमेशा एन ही होगा। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग और इसको ध्यान से सुना और समझने की कोशिश करना कि हम इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट जो है ना फोर ब्रैकेट होती है, फोर ब्रैकेट इस्तेमाल भी हो गए इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मुझे करना है लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट यहाँ पे एम माइनस एन है। अब इसको क्या करोगे आप, तो एम माइनस एन है यहाँ लाइन ब्रैकेट, अगर उससे पहले अगर माइनस का साइन है इसका मतलब अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखो एन का एन लिखे, माइनस यहाँ था और इसका मुझे काम करना है एम माइनस एन का। किसका काम कर रहे हैं हम, एम माइनस एन का, क्योंकि यहाँ पे लाइन ब्रैकेट है। तो इसको जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर यहाँ ऑलरेडी प्लस होता तो हम क्या लिख देते, यहाँ पे क्या लिख देते, माइनस लिख देते, मतलब लाइन ब्रैकेट का हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट का ही हम काम कर रहे हैं, इसी का कर लो। तो यहाँ पे एन माइनस एम प्लस एन, अब देखो यहाँ पे क्या है, एम माइनस में है, यहाँ पे भी एन प्लस में है और ये भी एन क्या है प्लस में है। तो एन प्लस एन, टू एन माइनस एम, बाद बाकी सब सेम लिखेंगे। यहाँ से देखो सेम लिख रहे हैं एन, ये भी क्या है आपका स्मॉल ब्रैकेट है, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट था, यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट था, तो इसको भी सोल्व कर दो एक बार, तो ये सब तो सेम रहेगा। अब जैसे बताया था कि कोई भी ब्रैकेट को अगर हम सोल्व करते हैं वहाँ पे वेरिएबल होता है, कोई नंबर्स नहीं होता है, अगर वहाँ पे ब्रैकेट को हटाना है तो अगर माइनस बाहर होता है तो अंदर का साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो एन माइनस यहाँ पे एम, अब यहाँ प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर माइनस करली ब्रैकेट सेम टू सेम, एन प्लस एम टू एन माइनस एम प्लस टू एम। नेक्स्ट में क्या करेंगे, एन अभी क्या है आप कहीं पे स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, तो अभी इस साइन को यहाँ जो साइन माइनस है अब अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस लगा हुआ है। तो एन माइनस टू एन, यहाँ माइनस था तो क्या हो गया, प्लस हो गया, कर्ली ब्रैकेट प्लस टू एन। अब स्मॉल ब्रैकेट इसमें नहीं है, इस स्टेप में स्मॉल ब्रैकेट कहीं नहीं है। अब क्या आपका कर्ली ब्रैकेट है तो इसको सोल्व करेंगे, इधर सेम लिखेंगे। अब देखो ये क्या होगा आपका एन प्लस एन माइनस टू एन प्लस एम, तो एन माइनस टू एन, अभी बताए थे कि अगर मान लो वन माइनस टू आपको अगर हम बोले थे क्या हम लिखते हैं, हम लोग माइनस वन लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वन में से टू नहीं जाता है तो हम लोग इससे इससे माइनस कर देंगे, तो टू माइनस वन लिख देंगे वन और माइनस हम लोग साइन लगा देंगे। यहाँ पे भी वही है कि एन जो है टू एन, एन में से टू एन माइनस नहीं होगा तो टू एन में से एक एन माइनस कर देंगे तो एक एन बचेगा बट माइनस में आएगा, तो माइनस एन प्लस का एम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट प्लस टू एम सेम टू सेम। अब फिर एन माइनस, अब देखो अब क्या है कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है और उसके पहले क्या है आपका माइनस है, मतलब अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब एन जो माइनस में था ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो एम किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ये एन प्लस में था और ये एन माइनस में थे, क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो एन का एन एन रहेगा माइनस ऑफ, अब देखो एम, अब देखना यहाँ पे एन टू एम प्लस में है और माइनस एम और माइनस, जैसे आपको पूछे कि माइनस वन और माइनस वन क्या मिलेगा, तो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू होता है, ना कि टू बोलना या फिर जीरो बोलना, नहीं। अगर इसी तरीके से आपसे कोई पूछ दिया कि माइनस टू और माइनस टू क्या होगा, तो माइनस का फोर होता है, तो यहाँ पे माइनस एम और माइनस एम कितना हो जाएगा माइनस टू एम हो जाएगा, और प्लस का टू एम था तो प्लस का टू एम, यहाँ पे माइनस का टू एम प्लस का टू एम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे माइनस एक्स प्लस एक्स क्या होगा, तो बोलना एक कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जैसे मान लो इस तरह से माइनस टू, ऐसे समझो माइनस टू प्लस टू क्या होगा। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस टू प्लस टू को, टू माइनस टू, देखो दोनों सेम है क्योंकि ए टू का साइन जो है माइनस है यहाँ लिख दिए और ए टू का साइन प्लस है तो हम यहाँ लिख दिए फर्स्ट में, तो टू माइनस टू क्या मिलता है जो जीरो होता है, टू माइनस टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस टू भी जीरो होगा और फिर टू माइनस टू आपका जीरो हो जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही तरीका अप्लाई किए हैं हम कि माइनस टू एम प्लस टू एम क्या हो जाएगा कट जाएगा और फिर जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इसमें सिर्फ क्या बच रहा है एन बच रहा है, तो एन माइनस एन आपका क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है इसको। अब ये क्या है कि जब आपको पता नहीं रहेगा कि जब भी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं कैसे सोल्व करते हैं, माइनस बाहर लगा हुआ है तो कभी पूछ आंसर दोगे कभी पूछ आंसर दोगे, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना, मतलब इसको पॉज करके वीडियो को एक बार फिर से पॉज करो और इस क्वेश्चन को फिर से आप सोल्व करो, आप देखो कि जीरो आंसर आता है कि नहीं, आप ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि नहीं, कि कभी भी वेरिएबल अगर ब्रैकेट के अंदर होता है तो उसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं, ब्रैकेट के अगर बाहर माइनस होता है तो क्या होता है अंदर का साइन चेंज हो जाता है, और अगर यहाँ पे प्लस होता है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे मान लो कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, ऐसा लेते हैं एन प्लस एन माइनस एम प्लस एन ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको क्या है मुझे हटाना है इस ब्रैकेट को, तो क्या होगा पहले देखेंगे इसके पहले का साइन क्या है, यहाँ पे पहले का साइन क्या है प्लस है ऑलरेडी पहले से, तो अंदर का साइन कुछ नहीं चेंज करेगा, मतलब एन प्लस एन माइनस एम प्लस एन हम डायरेक्टली लिख देंगे, मतलब इसको एन प्लस
क्या था, स्मॉल ब्रैकेट ए माइनस एम प्लस एन, इसको जब हम हटाएंगे स्मॉल ब्रैकेट को तो डायरेक्ट सेम टू सेम लिख देंगे, बट यहाँ पे प्लस की जगह पे अगर माइनस होता तो सारे साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 118 माइनस 121 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट, इसमें क्या है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, लाइन ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट है, तो सबसे पहले काम किसका करेंगे, लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे, बाद बाकी सब सेम लिखेंगे, एक स्टेप में हम एक ही बार काम करेंगे, एक स्टेप में एक ही नंबर्स का ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पे 9 माइनस 2 है, लाइन ब्रैकेट है, तो 9 माइनस 2 क्या होगा आपका 7 होगा। अब देखो यहाँ पे ये मत बोल देना कि सर यहाँ पे क्या है माइनस है, तो अंदर का साइन चेंज कर दो तो प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 2 11, नहीं, कब करते हैं वो माइनस, जब आपका वेरिएबल होता है तब, अगर ये ऐसा होता है तो ऐसा नहीं करेंगे, अगर ऐसा भी करोगे तो माइनस 7 ही आएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है माइनस 9 ऐसा था, और हम क्या बताए थे कि अगर इसको हटाओगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या है, मान लो कि ये माइनस में है तो ये तो रहेगा, क्या रहेगा, ये 9 किस में है, प्लस में है, तो किस में हो गया माइनस में, और ये माइनस है तो हो गया प्लस। अब माइनस 9 प्लस 2 क्या मिलेगा, माइनस 7 ही मिलेगा, तो यहाँ पे भी माइनस 7 ही लिखे हैं, तो उतना कन्फ्यूजन मत हो, सिर्फ ये ध्यान रखो कि अगर नंबर्स में होता है तो फटाफट हम इसी का काम करेंगे, इधर से मुझे कोई साइन से मतलब नहीं कि इधर साइन क्या है, माइनस है कि प्लस है कि इंटू है, जहाँ पे लाइन आपका लगा हुआ है ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट उसी का सिर्फ हम काम करेंगे, तो लाइन ब्रैकेट 9 माइनस 2 पे है, 9 माइनस 2 आपका 7 होता है, 7 लिख दिए। इसके बाद जब लाइन ब्रैकेट काम हो गया है तो हम लोग किसका काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया है, 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 क्या होता है आपका 121 होता है, मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 हो जाएगा। अब इसका काम हो गया तो किसका काम करेंगे हम लोग, कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे। देखो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे है, अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट में क्या है, ये माइनस है और कर्ली ब्रैकेट के भी बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस आपका क्या होता है, प्लस होता है, कर्ली ब्रैकेट भाग जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और ये कब होता है, जब दो साइन बैक टू बैक इस्तेमाल होता है तब ये यूज होता है, ना कि इस तरह से कि माइनस टू प्लस फोर लिखा हुआ है सर, तो माइनस प्लस माइनस होता है और फोर माइनस टू हो जाएगा तो टू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। तो कभी भी ये प्लस माइनस का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होता है, प्लस माइनस का फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ पे बैक टू बैक दो साइन यूज होता है, आप फिर दोनों माइनस होगा, आप फिर दोनों प्लस होगा, आप फिर एक माइनस एक प्लस होगा, फिर एक प्लस और एक माइनस होगा, तो वहाँ पे हम लोग ये वाली प्लस माइनस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पे दो साइन बैक टू बैक इस्तेमाल हो गया था, माइनस भी था और माइनस था, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिख दिए। अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ क्या स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले काम किसका करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे, 121 को 121 से डिवाइड देंगे तो 1 मिलेगा, फिर 1 प्लस 4 प्लस 4 क्या होगा आपका 9 होगा, 118 माइनस 9 109, क्या मिल जाएगा आपको 109, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 109। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्मॉल ब्रैकेट 12 माइनस 5, इस तरह से फिर यहाँ पे देखो लाइन ब्रैकेट यहाँ इस्तेमाल कर दिया गया है, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो 8 माइनस 2 क्या होता है 6 होता है, फिर लाइन ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हम लोग इसका काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 12 माइनस 5 आपको क्या होता है 7 होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट 6 प्लस 3 9 हो गया, 9 प्लस 6 15 और 15 इंटू 7 होता है 105, 15 से 105, यही आपका आंसर हो गया। पहले काम एक आपको करना है कि वीडियो को पॉज करना है, जब भी क्वेश्चन आए तो पहले खुद से सोल्व करो, फिर स्टेप बाय स्टेप आप उसको मिलाओ कि आपका आंसर आ रहा है सही कि गलत आ रहा है, आप वही स्टेप किए कि दूसरा स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कर रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चंस, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आप इसमें क्वेश्चंस किए हैं, और भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचा हुआ भी और हम करेंगे इसमें, बट अब आप लोग परफेक्ट हो चुके हैं कि क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, पहले ब्रैकेट कैसे इस्तेमाल करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई में कौन होगा, तो अब जितना भी हम क्वेश्चंस लेंगे वीडियो को रोकना है और क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करना है, फिर आपको मैच करवाना है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन बोले तो जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे 1 बाई टू प्लस 3 बाई टू स्मॉल ब्रैकेट बंद डिवाइड 5 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 स्मॉल ब्रैकेट बंद, तो पहले मुझे काम किसका करना है, ब्रैकेट का, स्मॉल ब्रैकेट है, तो पहले मुझे इसको सोल्व करना है, मतलब 1 बाई टू प्लस 3 बाई टू, इसको कैसे सोल्व करते हैं, किसी भी दो फ्रैक्शन को जब हम प्लस करते हैं तो पहले डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर इससे इससे हम जब डिवाइड देंगे तो 1 मिलेगा, और जो आता है डिवाइड देने के बाद ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर प्लस, फिर सेम काम हम आगे भी प्रोसीड करेंगे, इस 2 को हम इस 2 में डिवाइड देंगे तो इस 2 से 2 में डिवाइड देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 4 बाई 2, यहाँ पे हम वही लिखे हैं 2 और 2 का क्या लिए एलसीएम लिए, इस 2 को 2 से डिवाइड किए तो 1 मिला, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लिखेंगे, फिर प्लस था तो प्लस लिख दिए, 2 को 2 से डिवाइड दो तो क्या मिलेगा 1, और 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइड, सेम काम यहाँ पे भी, 3 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एलसीएम लेना आता है आप लोगों को कि नहीं आता है, देखो बता देते हैं,
थ्री और थ्री का एलसीएम लेंगे तो पहले किससे लगाएंगे, थ्री से लगाएंगे। और मतलब यहाँ पे हम वो नंबर लिखते हैं, एटलीस्ट दो नंबर कटना चाहिए, तो टू के टेबल में थ्री और थ्री नहीं आता है इसलिए टू नहीं लगाएंगे। अब हम लोग थ्री से लगाएंगे तो थ्री से लगाएंगे, थ्री वन जा थ्री और थ्री वन जा थ्री, अब ये आपका बच गया थ्री। थ्री से सब मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री होगा, तो यहाँ से आ गया मतलब थ्री और थ्री का एलसीएम थ्री आ गया, तो यहाँ थ्री लिख दिए हम। अब इस थ्री का टेबल पढ़ना है थ्री, कि थ्री कब आएगा, तो थ्री का जब टेबल पढ़ेंगे तो थ्री एक ही बार में आता है, और जितने बार में आता है उसको हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइव वन जा फाइव हो गया, माइनस हो गया थ्री, वन जा थ्री और वन टू जा टू, तो फाइव माइनस टू ये हो गया। अब देखो वन प्लस थ्री क्या मिलेगा, फोर मिलेगा, फोर बाई टू डिवाइड फाइव माइनस टू थ्री बाई थ्री। अब ये टू से फोर हो जाएगा कैंसिल, टू टू जा फोर डिवाइड, डिवाइड था तो डिवाइड लिख दिए हम, और थ्री बाई थ्री मतलब थ्री का टेबल हम पढ़ेंगे तो वन बार में थ्री आएगा, तो थ्री को वन से हम काट देंगे थ्री को, तो ये हो गया टू डिवाइड वन। टू डिवाइड वन मतलब टू को वन से अगर हम डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा, टू मिलेगा। टू डिवाइड का मतलब होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना टू डिवाइड वन, इसका मतलब इस वन से हम डिवाइड दे रहे हैं किस में, इस टू में दे रहे हैं, इस टू में, तो वन टू जा टू, ये हमारा आंसर आता है। तो टू डिवाइड वन मतलब टू हो गया, यही आपका आंसर होगा। फ्रैक्शन पे और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है देखो, इसमें भी फ्रैक्शन है और स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट है, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 5 बाई थ्री माइनस वन बाई टू मतलब 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 3 का 3 से हम डिवाइड करेंगे 6 में कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा, और 2 को अगर डिवाइड 2 से अगर डिवाइड देंगे 6 में तो 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 10 माइनस 3 क्या मिलेगा, 7 बाई 6, 7 बाई 6 लिख दिया। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ गया, कर्ली ब्रैकेट में क्या है 3 बाई 8 प्लस 7 बाई 6, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे, 8 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो पहले किसे जाएगा, 2 से 4 3, अब देखो ये नहीं कट रहा है तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 एलसीएम आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 8 से डिवाइड देंगे 24 में तो 3 आएगा, 3 3 जा 9 प्लस 6 से डिवाइड देंगे 24 में तो 4 आएगा, 4 7 जा 28, 9 प्लस 28 37 होगा, 37 बाई 24, 24 क्यों, क्योंकि 24 नीचे में था तो इसलिए हम इसको लिख दिए। फिर दो फ्रैक्शन आ गया तो फिर हम 3 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, ये 24, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 24 में तो आपका मिलेगा 8 मिलेगा, 8 7 जा 57 माइनस 24 को 24 में डिवाइड देंगे तो 1 मिलेगा, 1 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 आएगा, 56 माइनस 37 आपका हो जाएगा 19 बाई 24, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या है कि फ्रैक्शन भी है और मिक्स फ्रैक्शन भी है और इंटीजर भी इस्तेमाल किया गया है और ब्रैकेट यूज किया हुआ है, और ब्रैकेट क्या है, फोर टाइप का जो ब्रैकेट होता है सारे का सारे ब्रैकेट इस्तेमाल कर दिया गया है। देखो यहाँ पे लाइन ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। अब देखो ये जो नंबर्स लिखा हुआ है इसको हम कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इस टाइप में इस फॉर्म में अगर कहीं लिखा हुआ है ए इज टू बी बाई सी, तो इसको हम कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ये कैसा है आपका, मिक्स फ्रैक्शन। तो अगर क्वेश्चन में अगर कहीं पे मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले उसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसे मान लो कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2:1/2, इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि इसे इसे क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 2:2 = 4 और ऊपर वाले को प्लस कर दो, तो 4+1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और नीचे में जो लिखा हुआ उसको लिख दो, तो 5/2। 2:1/2 को क्या लिखेंगे हम, 5/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है कि 15:1/2 था, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, 15:1/2, तो 15:2 = 30, 30+1 = 31 हो गया और डिवाइडेड बाई 2, तो 15:1/2 को हम क्या लिखेंगे, 31/2 लिखेंगे, बाद बाकी से। अब देखो लाइन ब्रैकेट यहाँ पे तो 7-2 क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है तो 9-5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कर्ली ब्रैकेट है तो 12-4 क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 13/2 + 8, यहाँ फ्रैक्शन है और यहाँ पे इंटीजर है, तो कभी भी एक नंबर फ्रैक्शन में हो और ये दूसरा नंबर इंटीजर में हो तो हमेशा उसको एलसीएम लेके ही सोल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि 8 जो है आपका, 8 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 8/1, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आपका 1 है। 2:1 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13+1 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और 8:2 = 16, तो 13+16 क्या मिलेगा, 29/2। फिर यहाँ पे 31/2 29/2 है, ये फिर फ्रैक्शन मिल गया। फिर हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2:2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 31-29 क्या करेंगे, 2, और 2 को 2 से जब डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आपका, 1 आ जाएगा। अभी तक हम लोग जितने भी टाइप का क्वेश्चंस बन सकता था, जितने भी टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता था, वो सारे का सारे क्वेश्चंस हम लोग किए हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व भी किए हैं हम, और जितने भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल हुआ हर कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने की कोशिश किए हैं।
अब हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे, अगर मान लो किसी क्वेश्चन को अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो उतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, क्योंकि वो आपका टाइम ज़्यादा लेता है। तो हम लोग क्या करें, कुछ स्टेप को जंप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते तो 5, 6, 7 स्टेप में जाता, बट इसको हम क्या है कि 2 और 3 स्टेप में हिला दिए हैं। वो आपको दिख रहा है 3 स्टेप, एक ही स्टेप में आंसर आएगा। देखो शॉर्ट ट्रिक्स इसका क्या बोलता है कि कभी भी अगर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन इस्तेमाल होता है तो पहले हम किसका काम करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। डिवाइड मल्टीप्लाई सेम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, और प्लस माइनस एक साथ काम करेंगे। मतलब जहाँ पे आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर उस क्वेश्चन में है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही साथ काम करना, मतलब एक ही स्टेप में काम करना है, और फिर लास्ट में हम प्लस और माइनस साथ में काम करेंगे। जैसे कि अब इसको ना जो हम बोले उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 20 - 10 / 2 + 3 × 4। अब यहाँ पे देखो क्या है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो एक ही स्टेप में हम इसका काम करेंगे और इसका भी काम करेंगे। मतलब 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और 3 × 4 करेंगे तो 12 मिलेगा। अब क्या है, माइनस और प्लस है, तो इसका भी काम एक ही बार कर देंगे, तो 20 - 5 क्या मिलेगा, 15, 15 + 12 = 27। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 20 - 10 / 2 + 3 × 4। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चा इसमें गड़बड़ करेगा कि वो तो हमें भी जो बताएं वो तो इस्तेमाल करना है कि पहले डिवाइड करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ काम करेंगे, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 3 × 4 करेंगे तो 12। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चा क्या कलाकारी करेगा कि ये 20 - 5 प्लस जो ये 12 लिखा हुआ है ना, तो ये 20 का 20 लिखेगा, 5 + 12 = 70 लिख देगा, 17, और 20 - 17 क्या होगा, 3 होगा, जो कि ये क्या आपका गलत है, ये क्या आपका ये गलत है। ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 20 - 10 / 2 + 3 × 4 यहाँ पे ये जो लिखे हैं ये गलत है, 70 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखो बताते हैं। जैसे एक क्या लिखा हुआ है, 20 - 5 + 12, तो ये पॉजिटिव नंबर 12 है और 20 पॉजिटिव नंबर है, मतलब प्लस वाला काम इसके साथ में होगा ना कि इसके साथ में होगा। 5 और 12 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 5 जो है निगेटिव नंबर है, तो 20 + 12 = 32, 32 - 5 क्या मिलेगा, 27। तो ये आपका 3 जो है ये गलत है। यहाँ पे ध्यान रखना आप कि कभी भी ऐसा है 20 - 5 + 12, तो 5 + 12 = 17 मत करना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टेप गलत है क्योंकि ये 12 इसके साथ में प्लस होगा। तो सिंपल सा तरीका है कि जब भी प्लस माइनस अगर बच जाए लास्ट में ना, तो उसको एक ही साथ काम कर दो, तो 20 - 5 = 15, 15 + 12 = 27, ना कि 3। ये हम दोनों एक ही क्वेश्चन लिए थे, बट यहाँ पे जो अक्सर गलती होता है वो हम लिए थे, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या होता है, गलत आता है। हमारा सही तरीका क्या है, इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 50 - 40 / 10 + 2 × 5। तो एक स्टेप में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही साथ करेंगे। यहाँ डिवाइड है और यहाँ मल्टीप्लाई है, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा, 2 × 5 आपका 10 मिल जाएगा। तो 50 - 4 आपका 46, 46 + 10 = 56 इज द आंसर। 100 - 100 / 3 × 3। अब यहाँ देखो क्या है, डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई साथ में है, ये दोनों को हम साथ में करेंगे। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, नीचे आना, और मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो 100 - 10 और ये प्लस का 10, तो 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 100 सिर्फ बचेगा। अब अगर ऐसे भी हम चेक करें, नहीं काटना आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 100 - 10 क्या होगा, 90, और 90 + 10 क्या होगा, 100 होगा। तो कभी भी ऐसा रहे जैसे -10 और +10 रहे, इसको हम काट सकते हैं, नहीं तो -10 + 10 क्या होता है, 0 होता है। 0 प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है कि अगर a डिवाइड b इंटू c है, जैसा कि इस क्वेश्चन में था कि डिवाइड भी था और मल्टीप्लाई था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी, मतलब a बाई बी और इंटू में c लिखते हैं, जैसा कि हम ऐसा लिखे थे और इसको हम सोल्व किए हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करेंगे, तो 60 × 4 लिख दिए, और डिवाइड का मतलब होता है नंबर नीचे आ जाना चाहिए, तो डिवाइड बाय 15 कर दिए, 15 × 4 = 60 होता है, -10 - 5। अब देखो 4 × 4 = -10 - 5, 4 × 4 = 16 - 10 - 5 क्या मिलेगा, 16 - 10 = 6, 6 - 5 = 1, 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें भी क्या है, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड का मतलब होता है नंबर नीचे आना है, और मल्टीप्लाई रहेगा तो वहीं निकलेंगे, तो 5 × 10 = 2, 2 × 4 = 4, 40 - 50 क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। जैसे कि हम बताया थे कि स्मॉलर नंबर में बिगर नंबर कभी माइनस नहीं होता है, तो बिगर नंबर से हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर को माइनस कर देंगे, तो 50 - 40 = 10 हो जाएगा, बट साइन हमारा क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो -10 + 4 क्या मिलेगा, -6 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही है,
देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा और मतलब कंफ्यूज दूर कर देते हैं। जैसे -10 + 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 आएगा। कभी भी एक साइन माइनस हो और एक प्लस में हो तो हमेशा क्या करते हैं, नंबर को माइनस करते हैं। और माइनस हमेशा क्या होता है, बड़े नंबर में छोटे नंबर माइनस होता है। तो यहाँ पे एक नंबर माइनस है, दूसरा नंबर प्लस है, तो नंबर को हम माइनस करेंगे तो 10 - 4 क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। और यहाँ पे अब चेक करेंगे बी का नंबर क्या है, 10 है, और 10 का साइन क्या है, माइनस है, इसलिए हमारा -6 आ जाएगा। जैसे मान लो बोल दिए -2 + 8, अब क्या होगा, अब देखो एक माइनस एक प्लस है, मतलब हमेशा क्या करना है, माइनस ही करना है मुझे। तो 8 - 2 = 6 मिलेगा, और बिगर नंबर 8 है और 8 का साइन प्लस है, इसलिए हम लोग यहाँ प्लस लिखेंगे, और प्लस हम लोग लिखते नहीं, मतलब -2 + 8 क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। एक चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, -4 + 2 ऐसा लिख देंगे, -4 + 2 एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे नंबर को, तो 4 - 2 = 2 होगा, और बिगर नंबर का साइन माइनस है, इसलिए -2 आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, 50 - 50 / 10 × 3 इतना। अब देखो डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ, डिवाइड का मतलब होता है नीचे आना चाहिए, और मल्टीप्लाई 3 है तो 3 रहेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 + 15 हो गया, -60 + 10, तो 15 - 60 + 10, तो ये देखो ये 15 + 10 कर दो, क्योंकि ये दोनों नंबर प्लस में है, तो 15 + 10 = 25 - 60 = 35 हो गया। इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप भी सोल्व किए हम लोग, और उसी क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस आप स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व किए हैं, उसको आप चाहो तो स्टेप को जंप करके आप आंसर ला सकते हैं। खाली बस ये ध्यान रखना है कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आता है जिसमें ऑप्शन होता है, उसमें हम क्या करेंगे कि डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ काम करेंगे, और प्लस माइनस एक साथ काम करेंगे, और हम आंसर दे देंगे। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हर टाइप के क्वेश्चंस हम इसमें सोल्व करने की कोशिश की है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।